हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एगलेस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे। 100% परफेक्ट बनता है, एकदम मुलायम एंड सॉफ्ट। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ्रेश ताजी स्ट्रॉबेरी लिया है। तो स्ट्रॉबेरी को हमने अच्छे से धो के रेडी कर लिया है। तो ये स्ट्रॉबेरी से हम एकदम गाढ़ा वाला पल्प बनाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी को कट करके हम रेडी करेंगे। तो ये स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम है। स्ट्रॉबेरी को आधी जैसी क्रश करना है, मतलब एकदम स्मूथ प्यूरी नहीं बनाना है, नहीं तो आइसक्रीम है ना वो आपका हार्ड हो जाएगा। तो एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ आइसक्रीम बनाना है। तो स्ट्रॉबेरी को आधी जैसी क्रश करना है, मतलब जिस तरह से हम चटनी को खलबट्टे में क्रश करते हैं ना, इस तरह से हम स्ट्रॉबेरी को क्रश करेंगे। थोड़ी सी आधी रखेंगे, उस थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी से हम जूस निकालेंगे। तो ये स्ट्रॉबेरी को हम ये साइड रख देते हैं। तब तक हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए एक बाउल में हेवी क्रीम डाल देते हैं। तो 1 कप हेवी क्रीम से मैं आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। तो ये क्रीम को अच्छे से फेटेंगे। जब तक एक क्रीम गाढ़ा ना हो जाए, मतलब फ्रोस्टिंग की तरह ना हो जाए, तब तक हम हैंड ब्लेंडर से फेटेंगे। तो 4 से 5 मिनट जितना टाइम लगता है, जब तक आपका ये फ्रोस्टिंग गाढ़ा ना हो जाए, तब तक आपको फेटना ही है। और मैं हाई स्पीड पर फेट रही हूँ। तो देखिए, हमारा फ्रोस्टिंग एकदम मक्खन की तरह बन गया है, आप देख सकते हो, एकदम गाढ़ा बन गया है। तो ऊपर से हम कंडेक्स मिल्क डालेंगे। तो 1 कप हेवी क्रीम लिया है, तो अराउंड आधा कप से थोड़ा ज्यादा हम कंडेक्स मिल्क डालेंगे। ये मिल्क आप अपना हिसाब से डाल सकते हो, मतलब जितना मीठा पसंद करते हो। और एक टिन में से मैंने आधा टिन कंडेक्स मिल्क डाला है। और स्ट्रॉबेरी भी मीठी वाली होती है, तो मिल्क आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। उसके बाद 1/2 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस, 1 कप आधा क्रश किया हुआ स्ट्रॉबेरी, आप देख सकते हो मैंने इस तरह से स्ट्रॉबेरी को क्रश किया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो ये बैटर हम एक एल्यूमिनियम का कंटेनर में डाल देते हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक के डब्बे में भी डाल सकते हो, मैंने ये एल्यूमिनियम के कंटेनर में डाला है। और ये आइसक्रीम को हम ओवरनाइट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 7-8 घंटे में भी ये रेडी हो जाता है। तो ये साइड हमारा आइसक्रीम भी सेट हो चुका है। और ये आइसक्रीम हम एक वोफल बाउल में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने रेडीमेड पैकेट आता है ना वोफल बाउल का, वो हमने लिया है। तो ये पैकेट में 10 वोफल बाउल आता है। तो आप इस तरह से घर पे ये बाउल रख सकते हो और आइसक्रीम भी घर पे एकदम इजी से बना सकते हो। जब भी आपको आइसक्रीम बाउल खाने का मन करे, तो ये बाउल में ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सर्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, ये पैकेट में 10 वोफल बाउल है और बाउल भी बड़े साइज का है। तो ये बाउल में हम आइसक्रीम को सर्व करेंगे। तो फ्रिज में से हम आइसक्रीम ले लेते हैं, और मैंने ओवरनाइट रेस्ट करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हो, परफेक्ट आइसक्रीम हमारा सेट हो चुका है। और बिल्कुल ये आइसक्रीम हार्ड नहीं बना है, एकदम सॉफ्ट एंड मुलायम आइसक्रीम बना है। तो ये आइसक्रीम हम वोफल बाउल में सर्व करेंगे।
तो लीजिए यहाँ पे हमने आइसक्रीम को सर्व कर लिया है। उसके ऊपर हम रेडीमेड स्ट्रॉबेरी का टॉपिंग आता है ना, उससे हम गार्निशिंग करेंगे। तो ये स्ट्रॉबेरी का टॉपिंग है ना, वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी का शीरप या स्ट्रॉबेरी का जाम भी डाल सकते हो। और ये स्ट्रॉबेरी का जो टॉपिंग है ना, एकदम खट्टा मीठा बहुत टेस्टी है। तो मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ। तो ये आइसक्रीम है ना, बहुत बढ़िया बना था। आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। एक बार आपने इस तरह से आइसक्रीम बना लिया ना, तो आपको हर बार ये आइसक्रीम बनाने का मन करेगा। उतना ही परफेक्ट आइसक्रीम बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।